Hey guys, hope you're doing great today. So guys, I'm back with another haul video. और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है एक बैग का हॉल. तो बेसिकली मैंने कुछ बैग्स मंगाए थे अमेजोन से ड्यूरिंग द सेल पीरियड जो कि 26 और 27 को हुआ था. तो मैंने कुछ बैग्स परचेज किए थे अमेजोन से और मैंने मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसे शेयर करूँ. तो गाइज चलिए बिना देर किए मैं देखते हैं कि ये सारे बैग्स किस तरीके के हैं. सारे सुपर अफोर्डेबल बैग्स हैं, अच्छे क्वालिटी के सुपर अफोर्डेबल बैग्स हैं. सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अगर आप चाहते हैं परचेज कर तो आप जाके परचेज कर सकते हैं. आप इसे छोटी मोटी पार्टीज में, इवनिंग पार्टीज वगैरह में कैरी कर सकते हैं. तो गाइस चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज करी हैं. सो गाइस सबसे पहले बैग जो मैंने परचेज किया है वो है ये, आप देख सकते हैं. मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको एक अच्छा लुक मिल जाए. बेसिकली एक पार्टी क्लच है और आपके पास अगर मैचिंग साड़ी है तो आप इसके साथ पहन सकते हैं, या आपके पास थोड़ी सिल्वरिश कलर की साड़ी है तो आप उसके साथ भी इसे पेयर कर सकते हैं. कुछ इस तरीके की दिखती है. बेसिकली यहाँ पे सीक्वेंस का काम कर रखा है, अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे तो सीक्वेंस का काम कर रखा है. एक्सट्रीमली सोबर कलर है, दिस इज बेसिकली बेज कलर और ये एक्सट्रीमली सोबर पर्स है. अगर मैं इसके कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे दो बटन्स दे रखे हैं. मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का ये दिखता है. और यहाँ पे एक छोटा सा चेन दे रखा है. इसके सारी चीज़ें पहले मैं निकाल लेती हूँ, पेपर्स वगैरह, ताकि आपको आइडिया लगे. ये इस तरीके का दिखता है और यहाँ पे एक चेन प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे आप अपने मनी वगैरह या कुछ रखना चाहते हो तो आप वो रख सकते हैं यहाँ पे. साथ ही यहाँ पे एक कैरी करने के लिए एक चेन भी दिया गया है और चेन की लेंथ भी अच्छी है, कुछ इतनी लेंथ है चेन की, तो आप इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं पार्टीज वगैरह में. ओके चलिए मैं आपको फटाफट से दूसरा पर्स दिखाती हूँ जो मैंने परचेज किया है. ये बेसिकली पीयू लेदर की है, दिस इज नॉट प्योर लेदर. ये ऑफ कोर्स सुपर अफोर्डेबल रेंज में आपको प्योर लेदर तो ऐसे भी नहीं आएगा, बट दिस इज अ गुड क्वालिटी. दिस इज पीयू एंड दिस इज गुड क्वालिटी. जो दूसरा पर्स मैंने परचेज किया है वो उसी कंपनी का है एंड द कलर इज रेड. इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड आई लाइक रेड कलर, तो मैंने इसीलिए इसका क्लच परचेज कर लिया. आई विल शो यू. ये कुछ इस तरीके का दिखता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. अगेन यहाँ पे भी सीक्वेंस का काम कर रखा है. ये मैंने कॉम्बो ऑफर में परचेज किया है तो मुझे सेम टाइप के दो डिफरेंट पर्सेस मिल गए हैं. और आप इसे भी आप इसी तरीके का है, सेम अंदर में चेन प्रोवाइड किया गया है एंड देयर इज अ कैरिंग चेन वेयर यू कैन सी योर, इस तरीके का कैरिंग चेन प्रोवाइड किया गया और एक छोटा सा पॉकेट यहाँ पे पाउच प्रोवाइड किया गया जहाँ आप अपने पैसे वगैरह रख सकते हैं. अगला जो पर्स मैंने परचेस किया है वो है ये गोल्डन क्लच. मैं आपको दिखाती हूँ इसे ओपन करके. ये कुछ इस तरीके का दिखता है और यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल दे रखा है जिससे आप इसे कैरी कर सकते हैं. आगे में ये थोड़ा सा एक कुछ ब्रोश के तरीके का दिया हुआ है एंड पास से देखो आप किस तरीके का काम कर रखा है इसके ऊपर. ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है, स्मॉल चेन यहाँ पर है. बट देन इसका जो टांगने का दिया है ना वो ये यही है, इससे ही आपको ऐसे कैरी करना होगा. इसके अंदर कोई लंबी चेन नहीं दी गई है तो आप वो देख लें अगर आपको ये सूट करता है. यही चेन यही है जिससे आप इसे कैरी करेंगे, यही वो हैंडल है जिससे आप इसे कैरी करेंगे. नेक्स्ट जो मैंने परचेस करा है वो है ये थोड़ा चॉकलेट और लाइट चॉकलेट कलर में है और मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको. ये कुछ इस तरीके का पर्स है, सीक्वेंस का काम कर रखा है. अंदर में मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर में एक चेन प्रोवाइड किया गया है जो कैरी करने के लिए है और एक स्मॉल चेन यहाँ पर है. सो गाइस जो अगला पर्स मैंने परचेज किया है दिस इज़ बेसिकली अ हैंडमेड क्लच. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मुझे हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी वाले या हैंड पेंटेड साड़ीज और पर्सेस बहुत पसंद है. कभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना पर्स का कलेक्शन. आई होप यू गाइस विल लाइक इट. तो मुझे वैसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो हाथ से बनाई गई हों क्योंकि उनका एक अलग ही एलिगेंस होता है. तो ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी ओपन करके. ये कुछ इस तरीके का दिखता है, आप साइज़ से आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा होगा. ये मेरे पाम साइज़ के पूरे हाथ के साइज़ का है तो अच्छे खासा पर्स, बड़ा पर्स है. और यहाँ से इसे ओपन करना होता है और यहाँ पे अंदर में ये जो जगह है ये चेन लगी हुई जगह है, साथ ही इसके साथ ये प्रोवाइड किया गया है टांगने के लिए इसको, राइट. चलो
यहाँ पे सबसे खास बात है जो इसकी एम्ब्रॉयडरी की गई है, दैट इज एक्सट्रीमली आई कैचिंग। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ पे ये पूरा हैंडमेड क्लच है, पूरा का पूरी पूरी की पूरी जो एम्ब्रॉयडरी है वो हाथ से की गई है, जिसकी वजह से इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है, एंड आई रियली लाइक इट। दिल्ली में अगर आप जाओगे जनपद में यू विल फाइंड सो मेनी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लचेज एंड पर्सेज जो कि बंजारे वो सेल कर रहे होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। वहाँ से भी मैंने कुछ पर्सेज वगैरह परचेज किए थे एंड दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। साड़ी इसके साथ अगर आप हैंडलूम की साड़ी पहन रहे हो या आप हैंड पेंटेड कोई भी साड़ी पहन रहे हो उसके साथ वो बहुत अच्छा पेयर करता है और यू विल डेफिनेटली लुक वेरी क्लासी एंड वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइस, बैग के साथ मैंने एक चीज़ और परचेज की थी जो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ। ये मैंने अपने घर के लिए मंगवाया है, दिस इज़ बेसिकली अ सेंट डिफ्यूज़र। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे काम करता है। आप इसे नॉर्मल भाषा में रूम फ्रेशनर भी कह सकते हैं। ये मिनिसो से मैंने परचेज किया है। मिनिसो पे भी यू विल एक्चुअली गेट सम रियल ब्यूटीफुल स्टाफ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं उसके ऊपर मिनिसो पे। तो आप वहाँ पे उनके जो उनका जो स्टोर है अमेजोन पे, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं एंड यू विल गेट सम रियल ब्यूटीफुल थिंग्स। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे। तो गाइज, दिस इज़ बेसिकली अ सेंट डिफ्यूज़र। ये कुछ इस तरीके का है, ये आपके कमरे को बहुत ही ज़्यादा यू नो परफ्यूम्ड और अच्छे स्मेल आपके रूम में, आप इसे रखेंगे तो बहुत अच्छा स्मेल आएगा रूम के अंदर। और इसमें बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस आते हैं, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू परचेज और आप किस तरीके का, आपकी जो फ्रेग्रेंस की चॉइस है वो किस तरीके की है। मैंने जो फ्रेग्रेंस मंगवाई है वो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज ट्रॉपिकल पीच। इस तरीके के बॉटल्स में आता है और आपको इसे ऐसे ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद इसे इसका सील ओपन करके देन यू हैव दिस स्टिक्स, जिस स्टिक्स को आप इसके अंदर डालेंगे तो उसी के थ्रू आपका जो परफ्यूम है या सेंट है वो आपके पूरे रूम में फैलता है एंड इट कीप्स योर द वाइब्स ऑफ योर रूम वेरी वाइब्रेंट और बहुत पॉजिटिव लगता है। बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर से एंड अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज तक ये चलता है आराम से। ये अगर आप स्टिक्स में डाल करके अपने रूम में रखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज ये चलता है आराम से। और दिस इज़ समथिंग विच आई वॉन्टेड टू परचेज बट मैं कर नहीं पा रही थी परचेज, क्योंकि कई बार जो पर्टिकुलर मुझे फ्रेग्रेंस चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था, बट इस बार मुझे मिला तो मैंने सोचा कि मैं इसे परचेज कर लेती हूँ। गाइज, इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको कोई भी पर्स या क्लचेस में से ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग 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 थम्स अप एंड इफ यू आर न्यू विजिटर टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू hit the subscribe button, click the bell icon so that you will get notifications about the latest uploads on my channel. And guys, if you want me to review a product of your choice, you can also mention that in the comment section below. I will definitely get back to you as early as possible. Until then, stay safe, stay inside your home. Hope you have a great day. Bye bye.